नमस्ते दोस्तों। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये होते हैं तीन तरह के। पहले वाले आर द फास्ट ग्रोइंग वंस, जो बहुत तेज़ी से रैपिडली से ग्रो करते हैं। ठीक, द फास्ट ग्रोइंग वंस ये जनरली प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ द ट्यूबरकुलर कैविटी, जो ट्यूबरक्लोसिस जहाँ पर एक लीजन होता है ना आपका, ट्यूबरक्लोसिस जब भी होता है लंग्स में तो लीजन एक जगह पे होता है। ठीक है, उस लीजन के अंदर की जो वॉल है, मतलब एक कैविटी बनती है और उसकी एक वॉल होती है। सो ट्यूबरकुलर लीजन की जो कैविटी बनी है उसकी जो वॉल है उसमें फास्ट ग्रोइंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आर प्रेजेंट। ठीक, उसके बाद दूसरे होते हैं इंटरमिटेंट ग्रोइंग। इंटरमिटेंट मतलब ये अपना धीरे आराम से धीरे रिलैक्स होके पड़े रहते हैं, धीरे धीरे प्यार से ग्रो करते हैं। ये जब तक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला रहता है ये डोरमेंट रहते हैं। जब जब फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है तब ये एकदम से स्फूर्ति 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 एनर्जी से ग्रो करते हैं। सो इंटरमिटेंटली ग्रोइंग को हम कहते हैं स्पर्टर्स, वे आर ऑल्सो नोन एज स्पर्टर्स। द रीज़न इज क्योंकि ये स्पर्ट्स में आते हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं। ठीक, सो दीज आर नोन एज स्पर्टर्स। और आखिरी में जो आपके होते हैं इनका नाम होता है स्लो ग्रोइंग। ये बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से ग्रो करते हैं, मतलब ना के बराबर ग्रो करते हैं, और इनको मारना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको पता है रैपिडली ग्रोइंग तो फटाफट मार दो दवाई रैपिडली मारे, बट स्लो ग्रोइंग को मारना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड दीज आर प्रेजेंट इंट्रा सेलुलरली, जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इंट्रा सेलुलरली। ठीक, इंटरमिटेंटली ग्रोइंग होते हैं स्पॉटर्स, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। दे आर प्रेजेंट इन केजियस नेक्रोसिस। पैथो में आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा होगा ट्यूबरक्लोसिस में ग्रैनुलोमैटस इन्फेक्शन होता है, सो इसमें केजियस नेक्रोसिस होती है। सो जो केशियस नेक्रोसिस का एरिया होता है वहाँ पर स्पॉटर्स होते हैं। ठीक, अब हम ज़रा दवाइयों की बात करेंगे, कौन सी दवाई किसके लिए बेस्ट है। सो दिस इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर, इसी ऑर्डर में आप दवाइयाँ याद रखो जो मैंने HRZD बताया था। H फॉर आइसोनियाजिड, R फॉर रिफैम्पिसिन एंड Z फॉर पायराजिनामाइड। ठीक है, जेड के बारे में एक बहुत ज़रूरी चीज़ MCQs में कई बार पूछी जाती है, पायराजिनामाइड क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग को मारती है जो सबसे डिफिकल्ट है मारना। सो दिस हैज़ द बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी, बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन पायराजिनामाइड, बेस्ट स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन पायराजिनामाइड, जो कि इंट्रासेलुलर जा करके मैक्रोफेजेस के अंदर जो ट्यूबरकुलर बैसिलाई होते हैं और स्लो ग्रोइंग होते हैं उनको मारती है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू एन एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। बाकी अगले एपिसोड में मिलता हूँ, तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।